हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स संकेत के एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों की लाइफलाइन होता है उसका लोकल ट्रांसपोर्ट, इसीलिए लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन्स और दिल्ली की मेट्रो, ऐसे ही अपने इंदौर में चलती हैं आई बस, और आज अपन इसी का सफ़र करने वाले हैं। और ये वीडियो और भी मज़ेदार इसीलिए है क्योंकि मैं सिर्फ आपको बस टिकट या बस के बारे में या आपको बस पास के बारे में नहीं बताऊंगा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी प्लेस पे जाने के लिए कौन से बस स्टॉप पे जाना ज़रूरी है। तो चलिए और चलकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। सो गाइस, अपन लोग ये टिकट काउंटर है, अपन लोगों ने टिकट ले लिया और अब अपन अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, अपन को एंट्री लेने के लिए इस टिकट को यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा। इस मशीन पे आप ये रेड लाइट देख रहे हैं और ये बार कोड दिखेगा आपको, उस पर आपको स्कैन करना पड़ेगा। इसके बाद अपनी एंट्री होगी इधर से। टिकट प्राइस जानने के लिए हर आई स्टॉप पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें प्राइस लिखी हुई है। और यहाँ पर दो तरीके की बस चलती है, एक पिंक बस एक नॉर्मल बस। पिंक बस सिर्फ लेडीज़ के लिए होती है और नॉर्मल बस सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए। आपको इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए हर बस स्टॉप पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो बस की टाइमिंग बताता है। सो गाइज, अपन लोग निकल गए हैं अपने सफ़र के ऊपर और आप देख सकते हैं ये बस में, मतलब पीछे की साइड जो होता है बॉयज़ लोग बैठते हैं, मेल बैठते हैं, और जो आगे की साइड होती है वहाँ पर लेडीज़ वगैरह या गर्ल्स वगैरह बैठती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एसी की सुविधा भी है और सीसीटीवी कैमरे भी रखे हैं। और आपको हर स्टॉप पे, मतलब यहाँ पर माइक लगे हैं जो आपको स्टॉप की खबर दिलाएंगे कि कौन सा स्टॉप कहाँ पर है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको मैं पल पल की खबर देते रहूँगा कि कौन सा स्टॉप कहाँ आने वाला है। तो गाइस, अपन लोग पहुंच चुके हैं अभी विष्णुपुरी पे। यहाँ अगर आप इस बस स्टॉप पे उतरते हो तो आप यहाँ से अपने भोलाराम गेट भी जा सकते हो। यहाँ पर विष्णुपुरी है, ब्रह्मपुरी है, और इसके बाद पड़ता है भंवरको स्टॉप जो माना जाता है कोचिंगों का एरिया, जो कोचिंग पीएससी वगैरह की, बैंकिंग वगैरह की होती हैं, मतलब कि सिविल सर्विस वगैरह की, तो वहाँ आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर आपको डीएवी भी, यूनिवर्सिटी भी मिलेगी और यहीं से आप खंडवा रोड भी पकड़ सकते हो ना। तो ये रहा भंवरको का स्टॉप, अभी अपन आगे चलते हैं। देख रहे हैं आई बस पूरी BRTS सिस्टम पे चलती है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे। यहाँ पर सिर्फ वन रूट रहती है जिस पर सिर्फ बस और एम्बुलेंस चल सकती है, नो टू व्हीलर अलाउड। और ये इसीलिए ये मतलब ट्रैफिक फ्री है और आपको जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है। सो गाइस, अपन लोग निकल चुके हैं नौलखा से और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बस स्टैंड है जो बहुत सारी प्लेस को कनेक्ट करता है इंदौर से। और इसके बाद अपन जाने वाले हैं इंदिरा प्रतिमा, जहाँ से आप अगर उस बस स्टॉप पे अगर आप उतरते हो तो आप वहाँ से ज़ू जा सकते हो। ज़ू 100-200 मीटर की दूरी पे पड़ता है और उसके बाजू में आप म्यूज़ियम भी जा सकते हो। और इतना ही है बस यहाँ पर। चलिए अपन नेक्स्ट बस स्टॉप पे चलते हैं। सो गाइस, अपन पहुंच चुके हैं AICTSL बस स्टॉप पे। यहीं पर बस पासेस वगैरह बनते हैं और अगर आपको कैमरे वगैरह चलाने के, ऐसे कुछ वीडियोग्राफी करने के लिए परमिशन चाहिए तो यहीं से मिलते हैं। और अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए तो वो भी यहीं मिलते हैं, मतलब कि जो ये मेन स्टैंड टाइप का है यहाँ पर, तो अगर आपको बस पास वगैरह बनवाना है तो यहाँ आ सकते हैं। और भी अनदर बसेस भी यहाँ पर चलती हैं तो आप उनका भी टिकट यहाँ से कटवा सकते हैं।
सो गाइस अपन लोग आ चुके हैं पलासिया पर, और यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको राइट डोर से बाहर या अंदर नहीं आना, यहाँ पर आपको लेफ्ट डोर से बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लेसेस घूमने लायक हैं, छप्पन भी जा सकते हैं आप, अपोलो भी यहाँ पास पे, टी आई नेक्स्ट मॉल भी इधर ही है आपके आस पास, तो आप यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस हैं घूमने के, ये भी घूम सकते हैं। बट आप एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर लेफ्ट डोर से निकलते हैं। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं MR9 पे, और MR9 पे आप C21 मॉल और मल्हार मॉल और बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पर, छोटे छोटे हैं यहाँ पर, मतलब आप बहुत सारी कंपनियाँ से यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर अपनी जॉब की सर्च में भी आ सकते हो, और इसके पास पड़ेगा विजयनगर। आप अगर विजयनगर स्टॉप पर जाते हो तो आपको वहाँ से मेघदूत गार्डन पास में पड़ेगा, वो विजयनगर और MR9 के बीच में आपको पूरा विजयनगर पड़ेगा, जहाँ पर आप बहुत सारी कंपनीज देखोगे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखोगे, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का है ये। तो चलिए अब अपन आगे और अपना लास्ट स्टॉप पर चलते हैं। टिकट आप संभाल कर रखें, जिससे आप जब एग्जिट पॉइंट पर जाएं तो आप बाहर निकल सकें, टिकट ना होने पर आपको फाइन भी लग सकता है। सो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी स्टॉप पे निरंजनपुर, मतलब देवास नाके पर, और सफर करके बहुत मजा आया। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसा रहा अपना सफर? क्या आप कभी आई बस में बैठे हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।